हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जीतू और ट्रिपल सी के इस चैप्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की। आपने देखा होगा अलग अलग जगह पर अलग अलग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, जैसे ऑफिस में अलग कंप्यूटर, ऑर्गेनाइजेशन में अलग कंप्यूटर और साइंटिफिक पर्पज़ के लिए अलग कंप्यूटर। तो दोस्तों, ये जो अलग अलग जगह पर अलग अलग डेटा प्रोसेसिंग एबिलिटीज़ के कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, इन्हें ही क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। कंप्यूटर को थ्री मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला बेस्ड ऑन साइज, दूसरा बेस्ड ऑन वर्क और तीसरा बेस्ड ऑन पर्पस। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन साइज़ की। साइज़ के बेसिस पर कंप्यूटर को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें नंबर वन है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर छोटे, सस्ते और कम पावर वाले कंप्यूटर होते हैं। ये 1970 से 1918 तक बहुत पॉपुलर हुए थे। इन्हें पोर्टेबल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के भी फोर टाइप्स होते हैं। ए डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, बी नोटबुक कंप्यूटर, सी हैंडहेल्ड कंप्यूटर और पाम टॉप, डी टैबलेट कंप्यूटर। सबसे पहले बात करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर की। डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें रेगुलर यूज़ के लिए सिंगल लोकेशन मीन्स डेस्क या टेबल के ऊपर रख के यूज़ किया जा सकता है। डेस्क या टेबल के ऊपर रखे होने की वजह से ही इन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर बोला जाता है। बी नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर को ही अल्ट्राबुक और लैपटॉप कंप्यूटर बोला जाता है। ये साइज़ में छोटे और लाइट वेट होते हैं, जिससे ये ईजिली ब्रीफकेस में फिट हो जाते हैं। दुनिया का पहला लैपटॉप एलन के ने बनाया था। लैपटॉप में एक बेनिफिट होता है, ये लेस पावर कंज्यूम करता है और आप इसे इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हो। साथ ही इसमें एक रिचार्जेबल बैटरी होती है, जिसे लाइट जाने पर भी आपका लैपटॉप ऑफ नहीं होता है। सी हैंडहेल्ड कंप्यूटर और पाम टॉप। हैंडहेल्ड कंप्यूटर और पाम टॉप कंप्यूटर एक टाइप के पर्सनल कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। ये कंप्यूटर साइज़ में छोटे होते हैं, आप इजीली इन्हें अपने हाथ में कैरी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वाली जो मशीन होती है वो आपका हैंडहेल्ड कंप्यूटर ही होती है। डी टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर एक टाइप का मोबाइल डिवाइस होता है, जिसका साइज़ लैपटॉप से छोटा और मोबाइल फ़ोन से बड़ा होता है। इसमें इनपुट देने के लिए एक टाइप का पेन का यूज़ किया जाता है, जिसे स्टाइलस बोला जाता है। तो दोस्तों, ये था माइक्रो कंप्यूटर के फोर टाइप्स। माइक्रो कंप्यूटर के बाद बात करते हैं नंबर टू मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटे, सस्ते और फास्ट होते हैं। ये मेनफ्रेम कंप्यूटर से कम पावरफुल बट पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल और एक्सपेंसिव होते हैं। मिनी कंप्यूटर का यूज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। साथ ही इसका यूज़ डेटाबेस मैनेजमेंट और स्मॉल मिडरेंज रेंज सर्वर के लिए भी किया जाता है। थर्ड मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनका यूज़ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर साइज़ में बड़े, ज़्यादा स्टोरेज वाले और हाई प्रोसेसिंग पावर के कंप्यूटर होते हैं। इनका यूज़ सेंसस यानी जनगणना के लिए किया जाता है। नंबर फोर सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट और एक्सपेंसिव कंप्यूटर होते हैं, जिनका यूज़ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और हाईली कैलकुलेशन टास्क करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च एट्रेक्सा। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है। इंडिया का पहला जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम PA रैम था। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, बेस्ड ऑन वर्क की। वर्क के बेसिस पे भी कंप्यूटर को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। स्टार्ट करते हैं एनालॉग कंप्यूटर से। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग डेटा प्रोसेस करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर डेटा को कंटिन्यूस फॉर्म में स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल, स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ एट्रेसा। नंबर टू डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो बाइनरी डिजिट को कैलकुलेट करके वर्क करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर ओनली मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करते, बल्कि इनका यूज़ ग्राफ और साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, डेस्कटॉप। नंबर थ्री हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का ही कॉम्बिनेशन होता है। हॉस्पिटल में डायलिसिस के लिए जो मशीन यूज़ की जाती है
उसमें हाइब्रिड कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाता है। इन कंप्यूटर में एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल वोल्टेज में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी या क्षमता होती है। लास्ट टॉपिक आता है बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस के बेसिस पे भी कंप्यूटर को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर की। जनरल पर्पस कंप्यूटर का यूज़ अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ सिंपल और कॉमन प्रॉब्लम के लिए किया जाता था, फॉर एग्जांपल मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन के लिए या कोई छोटी आपकी अकाउंटिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जनरल पर्पस कंप्यूटर का यूज़ किया जाता था। सेकंड, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का यूज़ हार्ड टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता था। ये एक बार में एक ही कैलकुलेशन या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था, फॉर एग्जाम्पल मल्टीमीडिया कंप्यूटर। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।